हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑड एंड इवन के बारे में। ऑड एंड इवन जो दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए चल रहा है वो ऑड एंड इवन नहीं, बल्कि एमएस एक्सेल में ऑड एंड इवन नंबर्स पे कैलकुलेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अब तक आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो इंटायर नंबर्स पे करते हैं, मींस वहां पर आपके ऑड नंबर भी होते हैं और आपके इवन नंबर भी होते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है यहां पर ऑड नंबर पे या फिर इवन नंबर पे, सो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? फ्रेंड्स, यहां पर हम यूज कर रहे हैं एक सिंपल ट्रिक जिसकी सहायता से आप इजीली या तो ऑड या फिर इवन नंबर पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं हूं सुनील रावत और आप देख रहे हैं ट्रेजर टूडे चैनल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक कैलकुलेशन ऑन ऑड और इवन नंबर। सो जनरली हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें ऑड और इवन नंबर दोनों ही होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में गए हुए हैं और आपसे इंटरव्यूअर ने कहा है कि आपको सिर्फ जो कैलकुलेशन करनी है वो सिर्फ ऑड या फिर इवन नंबर पे करनी है, सो वो आप कैसे कर पाएंगे? सो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड इवन, हाउ टू फाइंड ऑड नंबर, देन हम डिस्कस करेंगे मोड फंक्शन के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इफ प्लस मोड फंक्शन के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक स्मॉल डेटा देखने को मिल रहा है। सो इस डेटा में हम यहाँ पर इन फोर क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इवन नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले टाइप करते हैं इज इक्वल टू और लिखते हैं इज इवन। इज इवन यहाँ पर एक फंक्शन है एमएस एक्सेल के अंदर जिसमें आपको बताया जा रहा है रिटर्न्स ट्रू इफ द नंबर इज इवन। अगर नंबर यहाँ पर जो है वो का इवन होगा तो यहाँ पर ट्रू आपका आंसर आ जाएगा। सो चलिए नंबर सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू निकल के आ चुका है। सेम टाइम पे अगर हम डिस्कस करें ऑड नंबर के बारे में कि अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर ऑड है या नहीं, तो आप टाइप करेंगे इज इक्वल टू एमएस एक्सेल में और लिखेंगे इज ऑड। इज ऑड आपने लिख दिया और नंबर अब आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी आपको ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है कि अगर आपका जो नंबर है वो है ऑड सो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। चलिए एंटर करते हैं। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं आपका जो नंबर होगा वो ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। सो अगर आपसे अब कहा जाए कि आपको कैलकुलेशन करनी है सिर्फ ऑड की या फिर इवन की, तो चलिए उसके लिए आप यहाँ पर फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सब टोटल। टाइप करते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, लिखते हैं सब टोटल। सब टोटल्स आप जैसे कि देख पा रहे हैं रिटर्न्स आ सब टोटल इन आ लिस्ट और डेटाबेस। चलिए टैब का यूज करते हैं। जब हम टैब का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर फंक्शन नंबर में यहाँ पर वन से 11 तक फंक्शन दिख रहे हैं और सेम फंक्शन रिपीट हो रहे हैं 101 से 111 तक। सो इसमें आपको मैक्स, मिन, काउंटे, इस तरीके से एवरेज और ये सब फंक्शन देखने को मिल रहे हैं। इन कोड का क्या क्या इनमें बेनिफिट या लॉस है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 109 को, जो कि एक सम का कोड होता है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है रेफरेंस वन। रेफरेंस वन में हम लेने वाले हैं यहाँ पर सेल्स की रेंज को। सिलेक्ट करा, F4 से फ्रीज करा और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सिंपली एंटर करना है। जब हम एंटर करते हैं सो आपको यहाँ पर जो टोटल है इस समय इस विजिबल डेटा का, इस सेल्स का, वो आपको देखने को मिल रहा है। लेट्स से अगर आपसे कहा जाए अब आपको यहाँ पर जो सम चाहिए वो सिर्फ चाहिए इवन नंबर का, सो उसके लिए आपने कर्सर रखा अपने डेटा में, गए होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मिलता है फिल्टर का। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके भी आप यहां से फिल्टर लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया है, क्लिक करिए इस पर। जब आप क्लिक करते हैं सो आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है ट्रू और फॉल्स का, सो हमें यहां पर लेना है ट्रू। ओके करेंगे सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहां पर अब जो नंबर आए हैं वो सम आया है सिर्फ यहां पर इवन नंबर का। सो 16,800 इस समय जो टोटल है वो है यहां पर इवन नंबर का। तो आप सेम नंबर यहां पर देख सकते हैं सम में स्टेटस बार में।
और अगर आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ पर ऑड नंबर का निकालना है तो सिंपली आपको ऑड पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फंक्शन लगाएंगे उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फॉल्स को सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फॉल्स रिजल्ट होगा वो होगा ऑड का। सो ऑड नंबर का यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिल रहा है जो कि है 6593। सो 6593 यहाँ पर ऑड का आपको जो है सम देखने को मिल रहा है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते ही यहाँ से हमारा फिल्टर हट चुका है। डिस्कस करते हैं मोड फंक्शन के बारे में, मोड फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर टाइप करते हैं हम इज इक्वल टू और लिखते हैं MOD मोड। सो मोड यहाँ पर क्या करता है मैं आपको बताना चाहूँगा, रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर। सो आप यहाँ पर नंबर में हमें यहाँ पर ये जो 7000 आपको देखने को मिल रहा है हमें इसे सिलेक्ट करना है नंबर को, और अब हमें यहाँ पर डिवाइजर मींस किस नंबर से आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं। सो हम टाइप यहाँ पर टाइप करते हैं 2। अगर आप 2 नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से वैल्यू से सो रिजल्ट निकल के आता है 1 और 0। अगर आंसर आपका जो है रिमाइंडर 1 आता है सो वो आपका होता है यहाँ पर ऑड नंबर, और अगर 0 आता है सो वो होता है इवन नंबर। ब्रैकेट क्लोज किया और सिंपली इसे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं इस समय जो हमारा नंबर है 7000 वहाँ पर आ चुका है 0, और ये जो सेकंड वैल्यू है 3595 की यहाँ पर आ चुका है 1, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। चलिए गाइज यहाँ पर डिस्कस करते हैं इफ प्लस मोड फंक्शन को। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नंबर हैं वो आपके डिफ्रेंशिएट हो जाएं ऑड और इवन से सो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं टाइप करते हैं इज इक्वल टू, लिखते हैं इफ। इफ के अंदर हमने लिखा यहाँ पर MOD मोड, और सिंपली हमने नंबर में सिलेक्ट किया 7000 को। 7000 हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा डिवाइजर में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 2 और ब्रैकेट क्लोज किया। सो अभी जो ये आंसर है मींस जो मोड का आंसर आएगा अगर वो इज इक्वल टू है 0 के सो क्या हो। तो यहाँ पर आपको लिखा रहा है वैल्यू इफ ट्रू। सो वैल्यू इफ ट्रू सो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने वाले हैं, तो वो जो नंबर होगा वो होगा इवन। डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने दोबारा यूज करा, देन कॉमा, देन यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। सो वैल्यू इफ फॉल्स सो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, वो नंबर होगा ऑड। डबल इन्वर्टेड कॉमा दोबारा यूज करा और सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नाउ अब आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको रिजल्ट निकल के आ चुका है। सो जहाँ भी आपके जीरो थे आप जैसे कि देख पा रहे हैं जीरो थे वहां पर इवन आ चुका है, और वन में यहाँ पर ऑड निकल के आ चुका है। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं काउंट अ ऑड नंबर और काउंट अ इवन नंबर या फिर उनका सम निकालना है, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक सेल के अंदर ही चाहिए। सो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सिंपल फार्मूला। तो चलिए आप इस फंक्शन को अभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक फंक्शन आपको समझ में आ गया सो इंटायर 3 फंक्शन आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू और लिखते हैं MOD मोड। मोड हमने टाइप करा, अब हमें यहाँ पर इस इंटायर रेंज को लेना है, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो सिर्फ एक सेल के अंदर चाहिए। सो नंबर में हमें यहाँ पर इंटायर रेंज को सिलेक्ट करना है। F4 से हमने इसे फ्रीज किया और कॉमा यूज़ करा, और डिवाइजर में हमने 2 ले लिया। ब्रैकेट हमने क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगर ये यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ऑड के लिए, तो ऑड के लिए जैसे कि आपको पता होगा जो कोड है हमारा वो होता है 1। सो हमने लिखा जो रेंज होगी अगर इज इक्वल टू 1 होता है सो क्या हो। तो हम कहते हैं यहाँ पर अभी मैं फिलहाल आपको दिखा देता हूँ कि अभी जो इतना फार्मूला है वो क्या काम करेगा। अभी फिलहाल आपको यहाँ पर वैल्यू की एरर आ रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अब काम करने वाला है। सिलेक्ट किया हमने इसे और प्रेस किया यहाँ पर F9 को। सो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑड में आपको जो इस समय ट्रू और फॉल्स फार्मूला बार में देखने को मिल रहा है। जहाँ भी आपको यहाँ पर ऑड नंबर दिख रहे हैं वहाँ पर आ रहा है ट्रू, और जहाँ पर भी इवन नंबर है वहाँ पर आ रहा है फॉल्स। सो MS Excel के अंदर फॉल्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और ट्रू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सो गाइज यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करने के लिए 0 और 1 में हमें मोड से पहले ब्रैकेट को बिगन करना है। ब्रैकेट बिगन करने के बाद आपको यहाँ पर 1 के बाद सिंपली ब्रैकेट क्लोज करना है, और उसके बाद +0 लगा देना है। जब +0 लगाते हैं और उसके बाद जब एंटर करते हैं
सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर इसमें हैज वैल्यू की एरर अभी भी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं अपने फॉर्मूला को और प्रेस करते हैं F9, सो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल रहा है 0 और 1। सो इस तरीके से यहाँ पर अब आपके 0 और 1 आ चुके हैं, मीन्स जहाँ भी ट्रू होगा वहाँ पर आ जाएगा 1 और जहाँ पर भी फॉल्स होगा वहाँ पर आ गया होगा इस समय 0। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑड की, तो ऑड नंबर के प्लेसेस पे आपको यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है जहाँ भी वो ट्रू होंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनकी कैलकुलेशन करनी है, मीन्स हमें इनका टोटल कर देना है। गाइज अब यहाँ पर आपको 1 और 0 का टोटल करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं सम प्रोडक्ट का। तो सम प्रोडक्ट हमने यहाँ पर टाइप करना है, सम प्रोडक्ट हमने लिख दिया और एक और ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट एक ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो है 1 और 0 के लिए लगाया हुआ था। सो सिंपली अब आपको यहाँ पर आके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और उसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सम प्रोडक्ट आपके मल्टीपल कॉलम्स की रेंजेस पे एक साथ कैलकुलेशन कर देता है। सिंपली अब आपको यहाँ पर एंटर करना है। जब आप एंटर करते हैं सो इस तरीके से यहाँ पर ऑड नंबर का काउंट निकल के आ चुका है जो कि है 14। चलिए यहाँ पर डेटा में देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो हम यहाँ पर ऑड नंबर को फिलहाल अब सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ये सब ऑड नंबर हैं जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं इस समय सिस्टम पे, जिन्हें हम फिलहाल यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। सो अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको काउंट देखने को मिल रहा है स्टेटस बार में 14, और 14 ही हमारा आंसर आया है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इवन नंबर को आप कैसे यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सम प्रोडक्ट जो कि हमने यूज़ करा है सम प्रोडक्ट मोड के साथ ये फर्स्ट फंक्शन समझ में आ गया है, सो सारे फंक्शन अब आपके लिए इजी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर अपना फॉर्मूला कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इस डेटा में अगर हमें निकालना है यहाँ पर इवन नंबर, तो जैसे कि आपको पता होगा इवन नंबर के लिए मोड में आना चाहिए यहाँ पर रिमाइंडर 0। सो अगर आपका जो रेंज है रिमाइंडर इज इक्वल टू है 0, सो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा सम प्रोडक्ट और मोड के थ्रू इनका काउंट। चलिए एंटर करते हैं। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जो काउंट आया है वो आया है 11 इवन नंबर का। चलिए चेक करते हैं कि ये जो हमारे नंबर आया है 11 ये सही है या नहीं। चेक करते हैं अपने डेटाबेस में और सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर ऑल इवन नंबर्स को। सो अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हम इवन नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, और इस समय अगर आप नज़र रखें स्टेटस बार में सो काउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 11। सो आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आ चुका है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर ऑड एंड इवन नंबर में काउंट की, कि अगर आपको ऑड एंड इवन नंबर काउंट करना है सो वो आप कैसे कर सकते हैं। चलिए गाइज डिस्कस करते हैं कि अगर आपको अब सम करना है यहाँ पर इवन नंबर का सो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो सिंपली अगर आपको यहाँ पर ये फंक्शंस समझ में आ चुके हैं सो ये आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको यहाँ पर इस समय मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर लाके इसे पेस्ट कर रहा हूँ। जब हम इसे पेस्ट करते हैं तो सिंपली आपको ये ब्रैकेट यहाँ से हटाना है और उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आ रहा है यहाँ पर अरे 2, मीन्स ये जितना भी यहाँ पर गया है ये सारी वैल्यू इस समय गई है अरे 1 में, और अरे 2 में यहाँ पर हम सिलेक्ट करने वाले हैं इस रेंज को दोबारा से। F4 से हमने फ्रीज किया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हमें सिर्फ एंटर करना है। जब हम एंटर करते हैं सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है वो आया है इवन नंबर का। इवन नंबर का रिजल्ट इसलिए निकल के आया है क्योंकि ये जो मोड का रिमाइंडर यहाँ पर इज इक्वल टू 0 था जो कि हमारा इवन नंबर का कोड होता है, सो उसमें हमने यहाँ पर सम प्रोडक्ट के थ्रू उन नंबर्स को यहाँ पर ऐड या फिर सम कर लिया है। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जो नंबर निकल के आया है 544। चलिए यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ऑल इवन नंबर को और चेक करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है 544 ये सही आया है या नहीं। सो इस समय अगर आप नज़र रखें अपनी स्टेटस बार में सो अभी आपको यहाँ पर सम देखने को मिल रहा है 544 जो कि इवन नंबर का है। ये रिजल्ट हमारा सही निकल के यहाँ पर आ चुका। नाउ डिस्कस करते हैं कि अगर हमें ऑड नंबर का यहाँ पर सम चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा। सिंपली आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी करिए और यहाँ पर लाके इसे पेस्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपको यहाँ पर 0 की जगह अब 1 कर देना है। फॉर्मूला आपका सेम टू सेम रहेगा और जस्ट आपको यहाँ पर रिमाइंडर में
यहाँ पर 1 कर देना है कि अगर यहाँ पर मॉड का जितना भी आपका रिमाइंडर होगा डेटा का वो अगर इज इक्वल टू होता है 1, सो ये जो यहाँ पर इसका सम प्रोडक्ट के थ्रू टोटल निकाल के दे देगा। चलिए यहाँ पर एंटर करते हैं। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 730 आ चुका है। चलिए गाइस यहाँ पर सिलेक्ट करके देखते हैं अपने ऑड नंबर्स को कि 730 जो आंसर आया है वो सही आया है या नहीं। सो फिलहाल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑल ऑड नंबर्स को। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं इन्हें। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस समय जो हमारा आंसर है वो 730 आ चुका है, जो कि आपको यहाँ पर स्टेटस बार में सब में देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप यहाँ पर इवन नंबर या फिर ऑड नंबर को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमने यूज़ करा इज़ इवन और इज़ ऑड फंक्शन को। साथ ही हमने डिस्कस करा यहाँ पर मोड फंक्शन के बारे में, देन हमने डिस्कस करा यहाँ पर इफ़ प्लस मोड फंक्शन के बारे में, और साथ ही हमने डिस्कस किया था सब टोटल फंक्शन के बारे में। देयर आफ्टर हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि कैसे आप सिर्फ ऑड नंबर का काउंट निकाल सकते हैं या फिर इवन नंबर का काउंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि अगर आपको सिर्फ टोटल निकालना हो अपने इवन नंबर का या फिर ऑड नंबर का, सो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और इसके लिए हमने यहाँ पर सम प्रोडक्ट और मोड फंक्शन को भी यूज़ किया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है सो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे MS Excel की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।